हाय गाइस, मैं हूं नीलम और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 5 बेसिक स्किन केयर रूल्स जो कि सभी को फॉलो करनी चाहिए। अगर आप टीनेजर हो, अगर आप अपने 20s में हो, 30s में हो या फिर कोई भी एज में हो, आप सभी को एक स्किन केयर रूटीन फॉलो करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्किन केयर रूटीन क्यों फॉलो करनी चाहिए या फिर स्किन केयर रूटीन क्यों रखनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हमारी स्किन सेल्स को एवरी डे शेड करती है, यानी कि स्किन केयर रूटीन फॉलो करने से आप डेड स्किन्स को अपने स्किन से हटा सकते हैं और नए सेल्स को रिप्लेनिश कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है, केयर रूटीन फॉलो करने से आपकी स्किन हमेशा ही ब्यूटीफुल और ग्लोई लगेगी क्योंकि आप उसका ख्याल रखते हैं। थर्ड पॉइंट है कि प्रिवेंशन हमेशा बेटर होता है। अगर आप एक स्किन केयर रूटीन फॉलो नहीं करेंगे तो टाइम के साथ आप देखेंगे कि आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन, एक्ने, डार्क स्पॉट, अनइवन स्किन, ये सारी ही प्रॉब्लम्स होंगी। सारी चीजें अवॉइड करना चाहते हैं तो आपको एक बहुत ही हेल्दी स्किन केयर रूटीन फॉलो करनी। वीडियो देखने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर लीजिए। कोई भी स्किन केयर की शुरुआत करने से पहले आपको डिटरमाइन करना होगा स्किन टाइप कौन सा है। तो इसके लिए आपको फेस वॉश के बाद हाफ एन आवर तक अपने स्किन पे कोई भी प्रोडक्ट्स यूज नहीं करने हैं और फिर आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपकी स्किन टाइप ऑयली है, ड्राई है, नॉर्मल है या कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है। अगर आपकी स्किन टाइप बहुत ज्यादा ऑयली है तो आप देख सकते हैं कि आपकी स्किन शाइनी हो गई होगी, आपके स्पेशली आपके टी जोन पे, आपके चिन पे और चीक्स पे, तो तब आपको पता चलेगा कि आपकी स्किन ऑयली है। अगर आप ड्राई स्किन टाइप है तो आपको फेस वॉश करने के बाद आपकी स्किन बहुत ही खिंची खिंची सी लगेगी और ड्राई फ्लेक्स भी दिख सकते हैं, तो देन आपकी स्किन टाइप ड्राई होगी। और अगर आपकी नॉर्मल स्किन टाइप होगी तो ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस भी नहीं होगा या फिर आपको ज्यादा ड्राइनेस भी फील नहीं होगा, देन योर स्किन टाइप इज नॉर्मल। और अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन हुई तो आपका टी जोन हो जाएगा और आपका बाकी का फेस आप नॉर्मल रहेगा, तो स्किन टाइप कॉम्बिनेशन होगी। ऑयली स्किन के लिए हम मैटिफाइंग प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं, ड्राई स्किन के लिए हम मॉइस्चराइजिंग प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए हम वो प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं जो स्पेशली डिजाइन होते हैं कॉम्बिनेशन स्किन के लिए। हमारे 5 बेसिक स्किन केयर के रूल्स है, क्लेंस, एक्सफोलिएट, टोन, मॉइस्चराइज एंड सन प्रोटेक्शन। तो ये 5 रूल्स है जो हर किसी के स्किन केयर रूटीन में जरूर होने चाहिए। स्किन केयर बेसिक्स का फर्स्ट रूल है क्लेंजिंग। तो ऑलवेज यूज अ करेक्ट टाइप ऑफ क्लेंजर फॉर योर स्किन, यानी कि आपकी स्किन टाइप जो भी है उसी हिसाब से आप क्लेंजर को भी चूज कीजिए। ऑलवेज ट्राई टू क्लेंज ओनली ट्वाइस अ डे, डू नॉट क्लेंज मोर देन ट्वाइस अ डे। हमें 2 बार से ज्यादा अपनी फेस को क्लेंजिंग नहीं करना है। तो क्लेंजर्स के काफी ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल होते हैं, मैं बस आपको अपने कुछ फेवरेट क्लेंजर्स बता देती हूँ। मेरी कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है तो मैं काफी यूज करती हूँ बायोटिक के क्लेंजर्स, मामा अर्थ के क्लेंजर्स और एवरयूथ कंपनी के क्लेंजर्स। ये तीनों ही क्लेंजर्स इंडिया के मार्केट में इजीली अवेलेबल है, अफोर्डेबल है और इनकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है। और अगर आप टीनेजर हैं और आप अफोर्डेबल स्किन केयर करना चाहते हैं या फिर DIY स्किन केयर करना चाहते हैं तो चलिए देख लेते हैं कि एक DIY क्लेंजर कैसे बना सकते हैं हम। DIY फेस क्लेंजर बनाने के लिए मैं यूज कर लूंगी लेमन और हनी। लेमन एंटीबैक्टीरियल होता है और हनी में लाइटनिंग और क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज होती है, जिससे कि ये बहुत ही असरदार फेस क्लेंजर बनेगा। इस तरह से लेमन का जूस स्क्वीज कर लेंगे और इसमें ऐड कर लेंगे 2 टेबलस्पून हनी, आप इस फेस वॉश को रेफ्रिजरेट करके आराम से 1 to 2 वीक्स तक यूज कर सकते हैं। अब इस मिक्सचर को बहुत अच्छे से मिक्स कर लूंगी मैं और अब इसे एक बॉटल में ट्रांसफर कर लूंगी ताकि यूसेज इजी हो जाए। और हमारा फेस वॉश रेडी है फॉर ऑल स्किन टाइप्स। तो देख लेते हैं कि इस क्लेंजर को यूज कैसे करना है। इस तरह से 2 से 3 ड्रॉप्स ले लेंगे अपने पाम पे और इसे सर्कुलर मोशन में इस तरह अपने फेस पे मसाज कर लेंगे और 30 सेकेंड्स के बाद फेस को वॉश कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि फेस एकदम क्लीन हो गया है। हमारी बेसिक स्किन केयर रूटीन का सेकेंड स्टेप है एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, यानी कि एक्सफोलिएशन को आप स्क्रबिंग भी कह सकते हैं। तो एक्सफोलिएट या स्क्रब करने से आपकी स्किन पे जो डेड सेल होते हैं
वो सारे हट जाते हैं और आपकी स्किन को रिन्यू करने का या नए स्किन सेल्स को आने का मौका मिलता है। तो एक्सफोलिएशन करने के लिए आप कोशिश करें कि आप माइल्ड स्क्रब्स ही यूज करें और बहुत ही जेंटली अपनी स्किन को एक्सफोलिएट। मार्केट में एक्सफोलिएटर्स के भी काफी ऑप्शंस अवेलेबल है, ये कुछ मेरे फेवरेट्स हैं। एवरयूथ के एक्सफोलिएटर्स भी काफी अच्छे आते हैं, यानी कि एवरयूथ कंपनी के स्क्रब्स बहुत अच्छे आते हैं। आप यूज कर सकते हैं प्लम के एक्सफोलिएटर्स और बायोटिक के बायोटिक का टैन रिमूवल स्क्रब भी वन ऑफ माय फेवरेट्स है, उसे भी मैंने काफी यूज किया है। अगर आप मेरा बायोटिक का स्किन केयर रूटीन देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगी। और मार्केट बॉट एक्सफोलिएटर्स के साथ ही अगर आप DIY करना पसंद करते हैं तो मैं एक एक्सफोलिएटर की रेसिपी भी आगे आपको दे दूंगी। DIY एक्सफोलिएटर या स्क्रब बनाने के लिए मैं यूज़ कर लूंगी 1.5 टेबल स्पून ऑफ राइस फ्लावर यानी चावल का आटा, और इसमें मैं डाल दूंगी 1 से 2 पंच हल्दी, टर्मरिक, और मैं फिलहाल ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून दही, और इसे मैं मिक्स कर लूंगी और पहले कंसिस्टेंसी चेक कर लूंगी। और ये मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो मैं इसमें और थोड़ा सा कर्ड मिक्स कर लूंगी और इसे मिक्स कर लूंगी, और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए। तो अब इस स्क्रब को कैसे यूज़ करना है देख लेते हैं। पहले मैं इसे फेस ब्रश से अपने पूरे फेस में इस तरह से अप्लाई कर लूंगी एक फेस पैक की तरह, और इसे मैं 5 मिनट इस तरह से अपनी स्किन पे रेस्ट करने दूंगी, और 5 मिनट्स के बाद इसे इस तरह से सर्कुलर मोशन में स्क्रब कर लूंगी, स्पेशली वो एरियाज पे जहाँ पे ब्लैक हेड्स वगैरह होते हैं। इस तरह से सर्कुलर मोशन में स्क्रब करने के बाद मैं इसे वॉश कर लूंगी। तो आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन एकदम क्लियर हो गई है, ब्लैक हेड्स और ये सारी चीजें एलिमिनेट हो गई है, ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स। स्किन केयर रूटीन का थर्ड स्टेप है टोनर। अगर आप ऑलरेडी टोनर्स यूज नहीं कर रहे हैं तो प्लीज स्टार्ट यूजिंग द टोनर्स, और अगर आप अभी अभी आपके टीनेज में हैं और स्किन केयर रूटीन स्टार्ट करने वाले हैं तो यू ऑल्सो मेक इट अ पॉइंट टू यूज द टोनर्स। टोनर्स हमारी स्किन के एक्सेसिव डर्ट, एक्सेसिव मेकअप या फिर एक्सेसिव ऑयल जो भी होता है वो हमारी स्किन से रिमूव करने में हेल्प करता है, और साथ ही साथ वो हमारी स्किन का पीएच बैलेंस यानी कि फेस वॉश करने से जो हमारी स्किन थोड़ी सी ड्राई हो जाती है तो टोनर्स यूज करने से हमारी स्किन का पीएच बैलेंस वापस सही हो जाता है, यानी कि पीएच बैलेंस 7 हो जाता है जो कि हमारी स्किन का नॉर्मल पीएच बैलेंस होता है। और टोनर्स एक्ने को भी कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। टोनर्स के लिए भी मैं सजेस्ट करूंगी कि आप न्यूट्रोजेना के टोनर्स यूज कर सकते हैं, आप प्लम का टोनर यूज कर सकते हैं, और थर्ड लैक्मे एब्सोल्यूट का टोनर जो भी आता है दैट इज ऑल्सो रियली नाइस, मैंने वो भी काफी यूज किया है। और आगे आप देखेंगे DIY टोनर कैसे बना सकते हैं स्पेशली फॉर टीनएजर्स। DIY टोनर बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगी बहुत ही दो सिंपल इंग्रेडिएंट्स। मैं ले लूँगी एक फुल ग्रेटेड क्यूकम्बर और उसे इस तरह से एक सीव में डाल के जूस एक्सट्रैक्ट कर लूँगी, क्यूकम्बर जूस, और इसमें मैं डाल दूँगी 1/4 टीस्पून लेमन जूस, और ये दो सिंपल इंग्रेडिएंट्स से ही हमारा DIY टोनर रेडी है। क्यूकम्बर और लेमन दोनों ही स्किन को काम और पोर्स को क्लोज और मिनिमाइज करने में हेल्प करेंगे। तो देख लेते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। आप इसे डायरेक्टली अपने फेस पे इस तरह से स्प्रे भी कर सकते हैं, या फिर आप इसे कॉटन स्वाब में इस तरह से स्प्रे करके अपने फेस पे इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि ये कॉटन स्वाब क्लीन है। हमारा फोर्थ बेसिक स्किन केयर रूल है मॉइस्चराइजिंग। अगर आपकी कोई भी स्किन टाइप हो, ऑयली, नॉर्मल, कॉम्बिनेशन, ड्राई, आप सभी को ही अपने स्किन के हिसाब से मॉइस्चराइजर जरूर यूज करने हैं। और मॉइस्चराइजर आपकी स्किन में एक बैरियर बन जाता है, अगर आप उसके ऊपर कोई और प्रोडक्ट्स भी यूज कर रहे हैं तो वो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है इन सारे ही केमिकल्स से। मॉइस्चराइजर को बिल्कुल मत स्किप कीजिए, और मॉइस्चराइजर की भी ये कुछ बहुत ही अच्छे ऑप्शंस हैं अवेलेबल मार्केट में, जो कि है बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर मॉइस्चराइजर, प्लम का मॉइस्चराइजर और न्यूट्रोजेना का ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। यानी कि आपकी स्किन टाइप कौन सी भी हो आपको इन सब में से कोई भी ऑप्शन चूज करना है, और ये सारे ही काफी अफोर्डेबल और अच्छे मॉइस्चराइजर है। DIY डे क्रीम या मॉइस्चराइजर की रेसिपी आप आगे देख लें। DIY डे क्रीम बनाने के लिए मैं यूज़ कर लूँगी सैफ्रन यानी केसर। इस तरह से मैं 4-5 स्ट्रैंड
ले लूँगी और इसे इस तरह से क्रश करते हुए इसका पाउडर बना लूँगी और अब इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1/2 टेबल स्पून ग्लिसरीन। और सबसे लास्ट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ रोज वाटर। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूंगी और एक छोटे से जार में ट्रांसफ़र कर दूंगी। इस मॉइस्चराइज़र को मैं टोनर के बाद इस तरह से अपने फेस पे डॉट डाउन करते हुए यूज़ कर लूँगी। डॉट डाउन करने के बाद मैं इस तरह से अपने फेस में इस क्रीम को मसाज कर लूँगी ताकि स्किन में ये क्रीम बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। हमारा फिफ्थ स्टेप टूवर्ड्स द बेसिक स्किन केयर इज यूजिंग सन प्रोटेक्शन या सनस्क्रीन। सन प्रोटेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप घर पे रहते हैं या बाहर जाते हैं आपको सनस्क्रीन जरूर ही यूज करना है। सनस्क्रीन हमारी स्किन को ऑफकोर्स यूवी रेस से तो बचाता ही है, साथ ही साथ वो हमारी स्किन के एजिंग को भी कम कर देता है और हमारी स्किन को प्रोटेक्ट भी करता है टैनिंग से या फिर सनबर्न से। और ऑफकोर्स सनस्क्रीन यूज करने से हमारी स्किन के स्किन कैंसर होने के चांसेस भी बहुत लोअर डाउन हो जाते हैं। तो सनस्क्रीन को भी बिल्कुल मिस मत कीजिए। मार्केट में सबसे ज्यादा अच्छे सनस्क्रीन मैं रिकमेंड करूंगी न्यूट्रोजेना के सनस्क्रीन, जो कि मैंने काफी ही यूज किए हैं, और साथ ही साथ लोटस के सनस्क्रीन भी काफी अच्छे आते हैं। तो सनस्क्रीन के लिए मेरे पास कोई DIY नहीं है, तो इट्स बेटर कि आप लोटस के, बायोटिक के या फिर न्यूट्रोजेना के सनस्क्रीन यूज करें, जो कि मार्केट में काफी इजीली अवेलेबल है और ये वन ऑफ द बेस्ट सनस्क्रीन्स है। तो ये थे मेरे 5 बेसिक स्किन केयर के रूल्स। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप ऑलरेडी एक स्किन केयर रूटीन फॉलो नहीं कर रहे हैं तो जरूर करेंगे और मुझे कमेंट्स में भी जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। बाय बाय।